आज आपको फिर से जो है एक जो जबरदस्त सा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसे तो वीडियो का मतलब गैपिंग जो हो गया काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2 मंथ से मैं जो है इतना बिजी शेड्यूल के चलते आपके सामने वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो इस 2 मंथ के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है लोग मुझे कॉल करके ये करने लगते हैं कि सर फ्री फ्रेंचाइजी बेस्ट है या फिर जो है पेड फ्रेंचाइजी देते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ आज फ्री फ्रेंचाइजी वर्सेस पेड फ्रेंचाइजी, आपको किस तरह के लेना चाहिए। पेड फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है कि आपको फ्रेंचाइजी के लिए कुछ कॉस्ट लगते हैं लेने के लिए मतलब, ठीक है। तो बात करते हैं जो फ्रेंचाइजी वाले ऐसे कुछ कंपनी हैं, ठीक है, जो क्या आपसे पैसा अमाउंट लेते हैं 5000 10000 12000 कोई भी आपका सर्टेन अमाउंट लेते हैं। उस अमाउंट पे क्या करते हैं वे लोग कुछ आपको गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैग हुआ, टी शर्ट हुआ, आईडी कार्ड हो गया, कई सारे चीज़ आपको डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। बट फ्री फ्रेंचाइजी वाले क्या करते हैं, वो आपको पीडीएफ में कुछ भेज देते हैं, जैसे लाइक प्रॉस्पेक्टस हो गया, सिलेबस हो गया, बट वो आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ भी नहीं देते क्योंकि उन लोग जो है कोई कॉस्ट नहीं लेते। बट ऑथोराइजेशन लेटर जो है प्रोवाइड जो होते हैं, चाहे दोस्तों वो पेड फ्रेंचाइजी हो या फिर फ्री फ्रेंचाइजी, दोनों की ऑथोराइजेशन लेटर सेम होती है। आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन अपने से दूर कर देना है कि पेड फ्रेंचाइजी है मतलब पेड फ्रेंचाइजी वाले जो आपको लीगल ऑथोराइजेशन दे। अगर दोस्तों फ्री फ्रेंचाइजी है और आपको लीगल डॉक्यूमेंट आप उनसे बोल रहे हैं कि ठीक है भाई आपका क्या रजिस्ट्रेशन है, आप प्रॉस्पेक्टस या फिर जो है आपकी सर्टिफिकेशन हमें दिखाइए, तो आप उस सर्टिफिकेट की डेमो या फिर जो कंपनी की जो सीआई नंबर होती है आप गूगल पे सर्च मारो। अगर गूगल पे आपको दिखता है कि हाँ ये ट्रस्ट कंपनी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में जो कंपनी है वो लीगल कंपनी है, कंपनी कई सालों से चला आ रहा, दैट मीन्स वो आपके लिए बेस्ट है। ऐसी कोई भी मतलब डिफरेंट नहीं होती कि आपको पेड फ्रेंचाइजी लेना है या फिर फ्री। आप अगर नया शुरुआत करें तो मैं आपको बोलूँगा फ्री फ्रेंचाइजी से क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी क्या होता है आप अमाउंट दे दिया और आपने सेंटर नहीं चलाया, मान लीजिए आपको 2-3 महीना आपने ट्राई किया नहीं चला, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजी अमाउंट जो कॉस्ट आपने दिया वो तो रिफंड आपको नहीं करेगी। तो आपको एक अमाउंट जो है एक मिनिमम ही अमाउंट है, बहुत ज़्यादा जरूर नहीं बोल सकता हूं, तो वो अमाउंट आपका वेस्ट चला जाता है। इसीलिए क्या है जब आप फ्री फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, बस अत्या आप 3 to 6 मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपके सेंटर कैसे रहनी होगी, तो आप सर्टिफिकेट के लिए आप उनको कॉस्ट देके आप उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बस अत्या कोई अंतर नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि पेड फ्रेंचाइजी देंगे मतलब क्या है उनकी उनकी जो है सर्टिफाइड ज़्यादा है या फिर उनका सर्टिफिकेट का वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं जो भी संस्थान से काम करता हूँ या बहुत सारे सेंटर मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग फ्री फ्रेंचाइजी देते हैं और आज उनकी सर्टिफिकेट हर जगह वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि उनकी सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, सब जगह है। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप नया स्टार्टअप ले रहे हैं तो फ्री फ्रेंचाइजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और आपको कुछ फैसिलिटी, क्योंकि देखिए जो बिज़नेस का करने का तरीका सबका अलग अलग है, कोई जो है फ्री फ्रेंचाइजी दे करके काम करते, कोई पेड फ्रेंचाइजी। पेड फ्रेंचाइजी वाले आपको कुछ तरह तरह के चीज़ें गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको लगे कि भाई हम जो उसको 3000 to 5000 उसके बदले मुझे कुछ सामान मिल जा रहा है या कुछ जो है। अब कुछ लोग फैसिलिटीज़ के नाम पे थोड़े से एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको नॉर्मल जो फ्री फ्रेंचाइजी उसे सर्टिफिकेट का रेट जो है आपको 10-20 रुपया कम में मिल जाएगा, बट ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होता दोस्तों, कोई अंतर नहीं है। आप फ्री फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, जिनको अच्छा लगे वो पेड फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इसमें एकदम डाउट हटा दीजिए अपने से, ठीक है। तो आज ऐसा कहता हूँ बहुत सारे लोगों का मन में यह कन्फ्यूजन था कि मैं पेड फ्रेंचाइजी लूँ या फ्री फ्रेंचाइजी, बट दोस्तों आप जब फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उनसे आप पूछिए कि आप जो फ्रेंचाइजी हमें दे रहे हैं आपकी कंपनी किससे रजिस्टर्ड है, यानी प्राइवेट लिमिटेड है, ट्रस्ट है या जो भी सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन, आपसे पूछ लीजिए। उनसे आप डॉक्यूमेंट मंगाइए, बाकायदा आप पीडीएफ से मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लीजिए। उनकी जो है अगर मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है तो सीआई नंबर होगी, उन सीआई नंबर को आप गूगल पे सर्च मारो, आपको सारे दिखेगी कंपनी कब से कर रही है, चला रही है, सक्सेसफुली चल रही है ना, ठीक है। आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, देना फ्रेंचाइजी लो, इसमें कोई भी मन में आप डाउट्स मत रखें। तो आशा करता हूं सबका छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद लगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कंप्यूटर फ्रेंचाइजी और कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग हर तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही।